अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं आपका टीचर जहीदेश आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर आज के लेक्चर के अंदर हम कूलिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं इन्हें डिस्कस करेंगे और उनमें से एक एक्सपेंशन कार्ड साउंड कार्ड को भी डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा तो बेटा कूलिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए जब हम सिस्टम यूनिट की बात करते हैं मदरबोर्ड है मदरबोर्ड के साथ साथ बहुत सारी डिवाइसेस हैं पावर सप्लाई भी है तो हर कंपोनेंट जब रन हो रहा होता है तो थोड़ी बहुत हीट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। और अगर इस हीट को प्रॉपरली कूल डाउन ना किया जाए मेंटेन ना किया जाए तो जो माइक्रो कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले वो डिसऑर्डर होते जाएंगे यानी आईसीस खराब होना शुरू हो जाते हैं कैपेसिटर्स हैं वो भी हीट जनरेट कर रहे होते हैं आईसीज हैं वो भी हीट जनरेट कर रहे होते हैं और जब देखें बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में जब आईसीज वगैरह को लगाया गया होता है तो उनकी हीट बहुत जल्दी एक दूसरे को डैमेज कर सकती है इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर के अंदर तो सिस्टम यूनिट के अंदर कूलिंग सिस्टम भी मौजूद होता है ऑन द मदरबोर्ड जिसके जरिए से कंप्यूटर के टेम्परेचर को कूल cool डाउन रखा जा रहा होता है कोलिंग सिस्टम कंप्यूटर कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट प्रोड्यूस हीट कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या कहते हैं हीट प्रोड्यूस कहते हैं व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन जब कंप्यूटर ऑन है चार्ज पास आउट हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस तो हीट प्रोड्यूस होती है इफ द टेंपरेचर इनसाइड द सिस्टम यूनिट रीचेस अ सर्टेन पॉइंट अगर जो सिस्टम यूनिट का टेम्परेचर है वो एक पॉइंट तक पहुंच जाता है और से अबव एक्सीड कर रहा होता है सो इट कैन डैमेज द पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट आईसीस एंड कैपेसिटर्स वगैरह को ये डैमेज कर सकता ठीक है तो कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड और इस केस में हमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टू मेंटेन प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन साइड द सिस्टम यूनिट सो सिस्टम यूनिट के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है ठीक है कैसे इसके अंदर फैन यूज होता है फैन इज फिक्स ऑन टॉप ऑफ द माइक्रोप्रोसे मौजूद है और ट्रांस मौजूद है तो उन्हें कूल डाउन रखने के लिए उनके टेम्परेचर को मेनटेन रखने के लिए माइक्रोप्रोसेसर या सीपी के ऊपर एक फैन लगाया जाता है वो फैन क्या कर रहा होता है उसकी हीट को डिस होता है या डिस्पर्स कर रहा होता है उसकी हीट को ठीक है अ फैन इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर सीपीयू टू कूल इट डाउन इसके अलावा कूलिंग सिस्टम के अंदर और क्या चीज आती है दैट इज हीट सिंक्स हीट सिंक्स कॉपर की सिंक्स बनी होती हैं डिफरेंट वाल्स ही बनी होती हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर ताकि हीट को डिसिपेट किया जा सके हीट को डिसअपेयर किया जा सके उसके सरफेस एरिया को कम किया जा सके हीट ज्यादा एरिया तक फैले ना ऑन सिस्टम यूनिट ठीक है तो के, हीट आर आल्सो यूज्ड टू डिसिपेट द सर्फेस एरिया ऑफ हीट यानी के सर्फेस एरिया को खत्म करने के लिए क्या यूज किया जा रहा होता है हीट सिंग्स यूज की जा रही होती है ठीक है इसके साथ साथ फिर थर्ड जो कूलिंग सिस्टम का कंपोनेंट है वो है ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम आजकल जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं और कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम भी यूज किए जा रहे हैं उन ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम्स का क्या काम है जैसे ही टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से अबव होगा यानी क्रिटिकल लेवल पर पहुंचेगा कि जो कंपोनेंट्स को डैमेज कर सके तो डिवाइस आपकी खुद खुद टर्न ऑफ हो जाएगी आप उसे दोबारा ऑन करेंगे तब तक ऑन नहीं होगी जब तक उसका टेम्परेचर उस लेवल से बिलो नहीं हो जाता ठीक है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम भी यूज होता है इन मैनी कंप्यूटर्स टू टर्न देमसेल्फ ऑफ इफ द टेम्परेचर एक्सीड सर्टेन लेवल तो बेटा ये आपके पास कूलिंग सिस्टम कि कूलिंग सिस्टम की जरूरत क्यों होती है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जब रन हो रहे होते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को डेसीपेट करने के लिए उसके सरफेस एरिया को रिड्यूस रखने के लिए क्या किया जाता है सिस्टम यूनिट के अंदर और कूलिंग सिस्टम के अंदर फैन यूज हो रहा होता है हीट सिंक्स यूज हो रही होती हैं ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम भी यूज किया जा रहा होता है मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जान जी बेटा कोलिंग सिस्टम के अलावा नेक्स्ट टॉपिक था एक्सपेंशन कार्ड अब ये एक्सपेंशन कार्ड क्या है एक्सपेंशन के वर्ड को समझते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंडिंग समथिंग और एक्सपेंशन कार्ड्स का क्या काम ऐसे कार्ड्स या ऐसे सर्किट्स जिनके जरिए से हम कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर रहे हैं इन्हांस कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं एडिशनल कैपेबिलिटीज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एड हैं ताकि वो उन कैपेबिलिटीज को भी परफॉर्म कर सके तो एक्सपेंशन कार्ड जिन्हें हम एड ऑन कार्ड्स भी कहते हैं या सिंपली कार्ड्स भी कह सकते हैं या फिर इंटरफेस कार्ड्स कहते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली एक्सपेंशन कार्ड्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं सर्किट बोर्ड सर्किट तो आप जानते हैं ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं ऐसे सर्किट बोर्ड जिनके ऊपर इनकी फंक्शनैलिटीज डिफाइंड होती हैं, इंसर्टेड इन एन एक्सपेंशन स्लॉट और इन कार्ड्स को कहा एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर इंसर्ट किया जाता है ऑन मदरबोर्ड मदरबोर्ड के अंदर ठीक है तो बेटा एक्सपेंशन कार्ड क्या है एक्सपेंशन कार्ड ये सर्किट बोर्ड्स होते हैं ऐसे सर्किट बोर्ड्स जिनके जरिए से हम कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं. और इन्हें मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट के जरिए से इंसर्ट किया जाता है लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने एक्सपेंशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है? इट प्रोवाइड्स न्यू कैपेबिलिटीज अब इसका पर्पज क्या है एक्सपेंशन कार्ड का एक्सपेंशन कार्ड का पर्पज ये है कि ये प्रोवाइड करता है न्यू कैपेबिलिटीज टू द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को न्यू कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है ताकि वो इनहांस फॉर्म में न्यू एडिशनल टास्क को भी परफॉर्म कर सके कैसी कैपेबिलिटीज आप कि सच एच डी एंड थ्री डी एनिमेशन अब एक कंप्यूटर है उसके अंदर सिंपल वीडियोग्राफिक कार्ड लगा होता है लाजमीनी एच डी एनिमेशन को या थ्री डी एनिमेशन को भी रन कर सके उसी तरह से जिस तरह से वो रन होनी चाहिए उनको रन करने के लिए क्या यूज किया गया एडिशनल वीडियोग्राफिक कार्ड लगाया जा सकता है या थ्री कार्ड लगाया जा सकता है या एच कार्ड लगाया जा सकता है या फिर आजकल की टेक्नोलॉजी फोर के टेक्नोलॉजी के कार्ड लगाए जा सकते हैं ताकि उस लेवल के या उसी क्वालिटी के साथ वीडियो को हम कंप्यूटर के ऊपर प्ले भी कर सकें ठीक है।, है फिर इसी तरह से कनेक्टिंग वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यूज हो रहे होते हैं अगर आप चाहते हो वायरलेस के थ्रू करें अपने डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर तो यूजुअली जो कंप्यूटर्स हैं उनमें वाईफाई कार्ड नहीं लगे होते तब आपको क्या करना पड़ता है वाईफाई कार्ड या वायरलेस नेटवर्क कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है ठीक है एडिशनली करना पड़ गया तो वो कैपेबल हो जाता है आपका कंप्यूटर कि वो वाईफाई के थ्रू भी एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें ठीक है तो बेटा ये किस तरह से कैपेबिलिटीज हम इनहांस कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेंशन कार्ड इन ओल्ड कंप्यूटर्स पुराने कंप्यूटर्स में दीज वर यूज ए सेपरेट सर्किट बोर्ड यानी कि ये एक्सपेंशन कार्ड सेपरेट सर्किट बोर्ड के तौर पर यूज किए जाते थे बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन कार्ड आर बिल्ट इन आजकल ज्यादातर एक्सपेंशन कार्ड क्या है है। मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है एंड इंटीग्रेटेड टू द मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड है पहले से मौजूद है पहले से फिक्स किए गए हैं अगर आपका वो कार्ड खराब हो जाए फिर आप एक्सपेंशन स्लॉट के जरिए से उसी तरह का कार्ड आप नया इंसर्ट कर सकते ठीक है तो बेटा आपके एक्सपेंशन कार्ड जिन्हें हम एड ऑन कार्ड्स भी कहते हैं या इंटरफेस कार्ड्स कहते हैं ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट ठीक है किस तरह से कि वीडियो ग्राफिक कार्ड के जरिए से वीडियो डिवाइसेस को इंटरफेस मिल रही होती है टू कम्युनिकेट विद द मदरबोर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के लिए इंटरफेस मिल रही होती है और इसी तरह डिफरेंट इंटरफेस कार्ड्स मौजूद हैं इनको इन डिफरेंट जो कॉमनली यूज टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है साउंड कार्ड भी एक्सपेंशन कार्ड आ जाता है इसी तरह से कार्ड्स वराइटी ऑफ विडियोग्राफिक कार्ड है और तमाम के तमाम किस्में एक्सपेंशन कार्ड की ही एक कैटेगरी में आते हैं फिर मॉडर्म या मॉडर्म कार्ड अगर हमने अपने कंप्यूटर के थ्रू टेलीफोन लाइन कनेक्ट करना हो तो उसके लिए मॉडेम की जरूरत होती है मॉडेम कार्ड्स भी हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स में आते हैं इनकी सब टाइप्स भी मौजूद हैं उन्हें टॉपिक वाइज हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी आपके पास एक्सपेंशन कार्ड ही आता है चलते नेक्स्ट बोर्ड पर और साउंड कार्ड के टॉपिक को डिस्कस करते हैं जी बेटे तो साउंड कार्ड साउंड कार्ड क्या है वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेंशन कार्ड किस लिए यूज करते हैं माइक्रोफोन के टॉपिक में और स्पीकर्स के टॉपिक में जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ये चीज डिस्कस की थी कि माइक्रोफोन जो ऑडियो सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है या स्पीकर जो एनालॉग सिग्नल्स को ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है अगर इन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ यूज करना है कंप्यूटर के जरिए कम्युनिकेट करवाना है तब उसके लिए साउंड कार्ड की जरूरत होती है ठीक है अब यही साउंड कार्ड देखते हैं कि किस तरह से काम करता है साउंड कार्ड इज यूज टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन कंप्यूटर मीन्स के क्या करने के लिए टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के अंदर साउंड की ट्रांसमिशन साउंड इनपुट या साउंड आउटपुट के लिए हमारे पास साउंड कार्ड यूज हो रहा होता है माइक्रोफोन डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता या स्पीकर्स डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे होते वो बाय यूजिंग साउंड कार्ड ही यूज हो रहे होते हैं कनेक्ट हो रहे होते हैं साउंड वेव्स आर एनालॉग अब जो साउंड या ऑडियो वेव्स हैं वो क्या होती हैं एनालॉग होती हैं वेयर एज कंप्यूटर कम्युनिकेट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल पर्सेज लेकिन कंप्यूटर जो भी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है कंप्यूटर जो इनपुट आउटपुट कर रहा होता है वो किस फॉर्म में कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल मतलब डिजिटल फॉर्म के अंदर जिनमें डाटा को जीरो रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है कंप्यूटर कम्युनिकेट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्स इलेक्ट्रिकल पल्सिस मतलब डिजिटल फॉर्म और डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्म में जीरोस एंड वन्स की फॉर्म में प्रेजेंस ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड वन एंड एब्सेंस ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड एज या इस तरह कह लें कि प्रेजेंस ऑफ पल्स इज कंसिडर्ड एज वन एब्सेंस ऑफ पल्स इज कंसिडर्ड एज जीरो कार्ड इज यूज्ड टू ट्रांसलेट एनालॉग वॉइस इनपुट अब साउंड कार्ड क्या करता है साउंड कार्ड ने ट्रांसलेट करना है कन्वर्ट करना है एनालॉग वॉइस इनपुट को जो कि माइक्रोफोन से ली गई है ठीक है इनटू डिजिटल फॉर्म ये कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग वॉइस इनपुट को इनटू डिजिटल फॉर्म और एनालॉग वॉइस इनपुट किस तरह से अपटेन की गई बाय यूजिंग माइक्रोफोन माइक्रोफोन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोफोन क्या करता है ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है जो साउंड इनपुट को एनालॉग वेव में कन्वर्ट कर देती है तो वही एनालॉग इनपुट जो माइक्रोफोन से ली गई उसे ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में ना सिर्फ ये इनपुट को परफॉर्म कर रहा होता है इसके साथ साथ एज वेल एज इट कन्वर्ट डिजिटल साउंड आउटपुट इसी तरह से ये डिजिटल साउंड को कन्वर्ट करता है डिजिटल साउंड कहां पर है डिजिटल साउंड जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड मीडिया फाइल्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? डिजिटल साउंड प्रोड्यूस कर रही है की में वो साउंड होती है उन्हें साउंड कार्ड क्या करेगा कन्वर्ट करेगा इनटू किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल या एनालॉग वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा फॉर स्पीकर वो स्पीकर को प्रोवाइड किए जाएं और स्पीकर उन एनालॉग वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर दे तो आपके पास साउंड कार्ड का फंक्शन आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट परफॉर्म्स एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन ये दोनों कन्वर्जन कर रहा होता है एनालॉग टू डिजिटल भी और डिजिटल टू के बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट को कर रहा है। और ये एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन परफॉर्म कर रहा होता है अब साउंड कार्ड इन्वेंट किया गया था नाइनटीन में और ये तकरीबन कंप्यूटर्स में हर कंप्यूटर के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है टू प्ले मल्टी मीडिया एप्लीकेशन एंड फाइल्स के मल्टी मीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए हमें साउंड कार्ड की जरूरत होती है क्योंकि उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी जब तक हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड मौजूद नहीं होगा ठीक है क्यों क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स थे उनमें सिर्फ एक सिंगल बीप जनरेट की जाती थी साउंड कार्ड के बगैर बीप तो जनरेट हो सकती है लेकिन ह्यूमन वॉइस को स्टोर करने के लिए या ह्यूमन वॉइस को लिसन करने के लिए कंप्यूटर से साउंड कार्ड की जरूरत होती है जैसे हमने एक्सपेंशन कार्ड्स में कहा कि अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर ये भी क्या थे सेपरेट सर्किट बोर्ड के फॉर्म में होते थे लेकिन लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर ये भी इंटीग्रेटेड है ऑन द मदर बोर्ड तो बेटा इसकी वर्किंग ये नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन आ गया अब माइक्रोफोन ने क्या किया ऑडियो वेव्स को ऑडियो सिग्नल्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एनालॉग वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस एनालॉग वेव को साउंड कार्ड ने क्या किया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करके डिजिटल साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और यह कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा ऑन द अदर एंड हमने स्पीकर्स की भी बात की थी अब स्पीकर्स किस तरह से डाटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं अब स्पीकर के लिए ये कंप्यूटर से डिजिटल डाटा प्रोवाइड किया गया किसको साउंड कार्ड को साउंड कार्ड ने क्या किया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर दी क्योंकि आउटपुट थी तो आउटपुट के लिए इसने क्या किया डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट किया और इस एनालॉग डेटा को स्पीकर ने फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो बेटे इस डायग्राम से भी आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए कि साउंड कार्ड किस तरह से काम कर रहा होता अगर आपके पेपर में ये टॉपिक आता है तो डायग्राम लाजमी बनाए डायग्राम से ये होता है कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इस बच्चे को इसकी अंडरस्टैंडिंग है और करेक्ट डायग्राम बनाएंगे थोड़ी सी डिसेंट वे में आप डायग्राम बनाएंगे तो उसके अच्छे नंबर भी आपको मिलते हैं ठीक है तो आ, ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन कार्ड के साथ साथ कूलिंग सिस्टम को डिस्कस किया अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज